हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप CSE ID लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक टेक का एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, यदि आपने टेक का एग्ज़ाम नहीं दिया है और उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन कंप्लीट कैसे किया जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा कि किस तरीके से आपको टेक का एग्ज़ाम देना है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन आपको टेक का फॉर्म भरना है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने गूगल में और गूगल में कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको TEC टेक का एग्ज़ाम अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको एक टेक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आपको CSE ID के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपको एक CSE ID मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने गूगल में जाएंगे और गूगल में लिखेंगे यहाँ पर टेक TEC टेक ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आ जाएगा टेक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इस पर हम ओके कर लेंगे और इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टैग, ये वाली साइट टैग, और यहाँ पर ये आ रहा है www.csceentrepreneur.in और आपको यहाँ पर ओके करना है। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप पूरा ये स्क्रॉल करके नीचे तक देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर ही समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये डाल देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नाम डालना है और नाम में आपको पूरा नाम डालना है। जैसे आपका नाम राहुल है और राहुल देव है तो आपको राहुल देव एक में ही डालना है। यदि आपका नाम राहुल कुमार है तो पूरा डाल देना, ये नहीं कि आपको सेकंड नाम का इसमें ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा नाम डालना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो, और यहाँ पर आपको ईमेल ID वो डालनी है जो आपके पर्सनल हो, मतलब कि आप चलाते हो, जो आप CSE में भी लगाएंगे और परमानेंट हो, जो आप फ्यूचर में भी चलाना चाहते हो। और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है, इसमें केवल आपको अपने फादर का ही नाम डालना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, UP हो गया, और कोई भी आपका स्टेट हो, बिहार हो गया या महाराष्ट्र हो गया, जो भी आपका स्टेट है वो ही डालना है। और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आता है एड्रेस, एड्रेस आपको कंप्लीट डालना है। जैसे आपका कोई विलेज है तो डालना है विलेज, और उसमें जो आपका विलेज का नाम है, फिर पोस्ट, और फिर पोस्ट के बाद आपका ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद डालना है आपको अपना पिन कोड, और पिन कोड के बाद डालना है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद डालना है स्टेट, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। और यहाँ पर डालना है अपना जेंडर, मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल, और यहाँ पर डालना है आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। थोड़ा मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो आपको करंट अपलोड करना है जो आप फिर हाल ही में हो, अपने मोबाइल से खींच के अभी आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। और ये मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है सबमिट। तो दोस्तों, मैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना ये कंप्लीट भर लिया और मैंने सबमिट कर दिया है। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो इस प्रकार का मेरे पास इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं के पेमेंट, यहाँ पर आपको जो फीस लगेगी आप वो भी देख सकते हैं कितनी लगेगी। यहाँ पर 1479.72, मतलब कि आपको 1479 रुपये देने होंगे, और इसके बाद आप इससे किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो या बैंकिंग से भी दे सकते हो। और मैं इसे UPI से पेड करूँगा तो हम UPI पे कनेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसे फ़ोन पे से देना चाहूँगा तो इस तरीके से मैं फ़ोन पे पर क्लिक कर दूँगा, और मैं यहाँ पर अपनी ID डाल दूँगा, और इसके बाद हम मैं के पेमेंट पर ओके कर देता हूँ। और मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया है और मैं यहाँ मैं के पेमेंट पर ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी User ID और पासवर्ड आ जाएगा, मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके Transaction ID आ जाएगी, और यहाँ पर ऑर्डर डेट आ जाएगी, और यहाँ पर आपका कोर्स का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर जितने आपके अमाउंट कटी है यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि मेरी यहाँ पर कटी है
1479 रुपये और 72 पैसे, इस प्रकार से आपकी पूरी स्लिप आ जाएगी। और दोस्तों मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ कि ये लॉगिन कैसे करनी है। यहाँ पर लॉगिन विद एस, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन विद एस, आपको यहाँ पर ओके करना है। मैं यहाँ पर इसे ओके कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन विद एस करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट और यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर रजिस्टर। तो हमारा रजिस्टर तो हो गया है, हमें करना है केवल लॉगिन, तो इस पर हम लॉगिन पर ओके कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर यूजर आईडी, मतलब जो आपको टैग नंबर यूजर आईडी मिली है वो आपको यहां पर डालनी है, और जो आपको पासवर्ड मिला है वो आपको यहां डालना है, और इसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। और दोस्तों मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका नाम है यहां पर आ जाएगा, यूजर नेम जो मतलब आपके टैग आईडी है वो यहां पर आ जाएगी। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो पूरा नाम है वो यहां पर आ जाएगा, जिस नाम से आपने डाल रखी है। और यहां पर आ जाएगा आपकी जो आपकी डेट है, जिस डेट में आपने क्रिएट करी है और टाइम के अनुसार। और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी लैंग्वेज आ जाएगी कि पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। और यहां पर असेसमेंट कंप्लीट किए हैं तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं किए तो तब आ जाएंगे। यदि आपको लर्निंग कोर्स चाहिए तो आपको ओके करना होगा यहां पर लर्निंग कोर्स को। तो मैं यहाँ पर आपको ओके करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी वीडियो आ जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो चला के देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में भी, और यहाँ पर पूरा कोर्स आ जाएगा। अब दोस्तों हम खोल लेते हैं असेसमेंट, ये असेसमेंट है, हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैंने ही जैसे ही असेसमेंट किए तो यहाँ पर मुझे 10 मॉडल मिल जाएंगे। फर्स्ट मॉडल मिल जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ काफ़ी तरह के इस प्रकार से ही मॉडल मिल जाएंगे। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक का लॉक खुला हुआ है, जैसे कि हमें पहला कंप्लीट कर लेंगे तभी दूसरे का लॉक खुलेगा। और हमें सभी के 10 क्वेश्चन करने होंगे, और 10 में से हमें यहाँ पर 4 मार्क लाने अनिवार्य होंगे। दोस्तों हमें 10 का पेपर मिलेगा और 4 हमें लाने अनिवार्य होंगे, वरना हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों इस पर मैंने वीडियो कंप्लीट बना रखी है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। यहाँ से आप फाइनल का पेपर भी इसी में से आता है, और 10 के 10 असेसमेंट भी इसी में से आता है। और 10 असेसमेंट तो कंप्लीट आते हैं, फिर फाइनल में कभी 4 इसमें से ले लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं, इस प्रकार से फाइनल का पेपर तैयार किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको पहला खोल के दिखा देता हूँ यहाँ किस तरीके से आपको देना है। तो पहला असेसमेंट मैं ओपन करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं पहला असेसमेंट खोलता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है टेले, मतलब कि सेंटर एंटरप्रेनर कोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ISB, और यहाँ पर मैं स्टार्ट एग्जाम पर ओके कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ओपन हो चुका है, स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर विद न्यू आइडिया इज कलेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, एक नए विचार के साथ एक नए उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको 1 मार्क करना होगा, और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से मैंने वीडियो डाल रखी है, कंप्लीट वीडियो है, और आपको हर वीडियो के लिए अच्छा टाइम दिया गया है। एक क्वेश्चन के लिए लगभग 60 सेकंड का टाइम दिया गया है, मतलब कि 1 मिनट का टाइम दिया गया है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना टेक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं।